अध्याय 12। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर को भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्य द्वाणी का दान मिला हो वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्य द्वाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, अपने सताने वालों को आशीष दो श्राप ना दो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो, जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो।